फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेगीस फैमिली उत्तराखंड। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बेबी स्वेटर में भी आप इसे डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन है। हार्डली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 6 सिलाइयाँ यहाँ से यहाँ तक की हैं इसमें। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके स्टिचेस की अगर मैं बात करूँ तो 8 के मल्टीप्लाई में इसमें स्टिचेस लेने हैं, तो मैंने 24 स्टिचेस लिए हैं और 2 स्टिचेस जो हैं एस स्टिच के हैं। तो 2 स्टिचेस मैंने एस स्टिच के लिए हैं, टोटल स्टिचेस इसमें 26 हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट रो बनानी। देखिए, पहला फंदा ये है एस स्टिच का, हम इस तरीके से निकाल लेंगे इसे। इसके बाद 3 फंदे, 1 2 3, 3 फंदे यहाँ हमें सीधे बनाने हैं। एस स्टिच के बाद 3 फंदे सीधे। इसके बाद यहाँ पर हमें ट्विस्टिंग करनी है 2 फंदों की। तो बैक साइड से हम इस तरीके से इस फंदे को हम पहले बना लेंगे और इस फंदे को बाद में, या तो आप इस तरीके से करें या आगे मैं दिखाती हूँ आपको फिर से। इसके बाद यहाँ पे 3 फंदे सीधे, 2 फंदों पे हमने ट्विस्ट किया, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो इस तरीके से 2 4 6 और 8, 8 ये फंदे हमारे एक पैटर्न के कंप्लीट हो गए। तो देखिए, यहाँ से फिर से हमें रिपीट करना है पैटर्न। तो 3 फंदे फिर से सीधे, 1 2 3। यहाँ पे हमें 2 फंदों पे ट्विस्टिंग करनी है। या तो आप इस तरीके से इस फंदे को ऐसे उतार के इसे पीछे कर लीजिए और इसे आगे करके इन्हें हम सीधा ही बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 फंदे हमने ट्विस्ट कर लिए। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब यहाँ से हमारा फिर से रिपीट पैटर्न है। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर से यहाँ ट्विस्ट करेंगे। तो बैक साइड से यहाँ पहले ट्विस्टिंग करेंगे इस तरीके से, फिर से 3 फंदे सीधे, 3। और जो ये स्टिच का फंदा है, या तो आप इसे उल्टा बनाइए या आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। उल्टी सिलाई, हर सिलाई इसमें, हर उल्टी रो में हमें उल्टी ही बनानी है। तो मैं सेकंड रो बना लेती हूँ। देखिए, थर्ड रो पे आ गए हम। थर्ड रो में देखिए फिर से क्या करना है हमें। ये फंदा हमारा एस स्टिच का है, इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 फंदे की जगह 2 फंदे हमने सीधे करने हैं। 2 फंदे सीधे करने के बाद देखिए, यहाँ बीच में हमने इन 2 फंदों पर ट्विस्टिंग करी थी, अब हमें इन 2 फंदों को लेना है। तो देखिए, पहले ये वाला फंदा और ये वाला फंदा है, तो यहाँ पे इस फंदे को हम इस तरीके से पहले बनाएंगे और इसे बाद में। तो ये हमने ट्विस्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे इन 2 फंदों को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, ये इस तरीके से हमने इसको ट्विस्ट कर लिया। तो एक बार फ्रंट से, एक बार बैक साइड से लेना है। इसके बाद यहाँ पर फिर हमारे 2 फंदे, 1 2, फिर से रिपीट पैटर्न। 2 फंदे सीधे, जहाँ हमने इन 2 फंदों को ट्विस्ट किया था, अब यहाँ से इन 2 फंदों को ट्विस्ट किया था, अब यहाँ पे इन फंदों पे ट्विस्टिंग करेंगे। तो एक बार फ्रंट से इस तरीके से लेंगे, इसे बाद में करेंगे, इसे बाद में बनाएंगे, और एक बार बैक साइड से ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद 2 फंदे हैं हमारे सीधे, तो ये पैटर्न कम्प्लीट हो गया। यहाँ से फिर से रिपीट पैटर्न, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ से ट्विस्ट करेंगे, इसे पहले बनाएंगे पीछे वाले फंदे को और इस वाले को बाद में। फिर बैक साइड से इस तरीके से लेंगे और ये वाला फंदा ट्विस्ट करके इस तरीके से, लास्ट में ये 2 फंदे हमारे सीधे और लास्ट स्टिच भी हमारा इस तरीके से सीधा। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। देखिए, 4 रो हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। फिर से यहाँ पे हमें इस तरीके से करना है। देखिए, ये इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, एक वी शेप आता हुआ। फिर से देखिए, पहला फंदा ये हमारा ये एस स्टिच का है। अब हमने 2 फंदे किए थे, अब हम एक फंदा ट्विस्ट, यहाँ पे एक फंदे को बुनेंगे, यहाँ इन 2 फंदों को इस तरीके से फिर से ट्विस्ट करेंगे। ये पहले पीछे वाले को पहले बनाएंगे और फर्स्ट वाले को बाद में, ये 2 ट्विस्ट करें। अब यहाँ पे हमारे जो हैं 1 और 2, ये 2 फंदे आ गए। यहाँ पे फिर से ट्विस्ट करेंगे, बैक साइड से लेंगे
इस तरीके से ये ट्विस्ट कर लेंगे। अब यहाँ हमारा सिर्फ एक फंदा रह गया, एक फंदा। यहाँ पे हमारा पैटर्न रिपीट होगा, फिर से एक फंदा सीधा, इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। ये हमने इनको ट्विस्ट किया इस तरीके से, फिर से दो फंदे सीधे। यहाँ पे हम बैक साइड से ट्विस्ट करेंगे और एक फंदा हमारा ये सीधा। फिर से रिपीट पैटर्न, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ ट्विस्ट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, इन दो को हम ट्विस्ट करेंगे बैक साइड से इस तरीके से, और एक फंदा ये हमारा सीधा। ये स्टिच का फंदा, सिक्स रो हमें उल्टी बनानी है तो उल्टी बना लेते हैं। सिक्स रो हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। देखिए सेवन्थ रो पे अब हमें क्या करना है, देखिए ये पूरा ऐसे ये वी शेप में आ गया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहला फंदा जो है ये हमारा स्टिच का है, ये इस तरीके से ये स्टिच का फंदा। अब जहाँ पे यहाँ एक फंदा हमारा रह गया है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेंगे। देखिए इस फंदे को इस तरीके से उतारेंगे, इस दूसरे फंदे को भी ऐसे उतारेंगे, दोनों को वापस से सिलाई पे लेंगे और फ्रंट साइड से इस तरीके से दो का एक कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ जाली देंगे इस तरीके से, यहाँ पे हम दो का एक करने के बाद एक जाली देंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब ये जो आपको सेंटर में ये वाला होल दिखाई दे रहा है, ये वाला, इससे हमें लूप बनानी है इस तरीके से, बैक साइड से ये एक लूप बनाएंगे। पहले हमने देखिए क्या किया, दो का एक किया, फिर हमने जाली दी, फिर एक फंदा बुना, फिर एक लूप दी, फिर एक फंदा फिर से सीधा, फिर लूप बनाएंगे इस तरीके से, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा। अब ये हमारी एक दो दो लूप हुई है, फिर से लूप देंगे। देखिए लूप देने के बाद यहाँ पे एक फंदा सीधा, फिर से एक लूप देंगे, यहाँ पे एक लूप और देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे चार लूप हो जाएंगे, देखिए एक दो तीन और ये चार। इसके बाद यहाँ देंगे हम जाली, यहाँ पे फिर से हमें दो का एक करना है तो इस तरीके से, देखिए दो फंदे ये एक और ये दो, इन दो फंदों को दो का एक करेंगे इस तरीके से। ये हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ से फिर से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें, इस फंदे को ऐसे और इस फंदे को इस तरीके से हम उतारेंगे, दोनों को सिलाई पे वापस लेंगे और इस तरीके से दो का एक करेंगे, फिर से यहाँ जाली देंगे। अब यहाँ पे हमें एक फंदा, जाली के बाद हमें एक फंदा यहाँ सीधा बनाना है, चार फंदों पर हमें यहाँ लूप देनी है। तो देखिए एक फंदा सीधा, फिर से देखिए ये सेंटर पे ये हमें होल दिखाई दे रहा है ये वाला, इस पर हमें इस तरीके से एक फंदा ये लूप देंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दूसरी लूप, ये दूसरी लूप हो गई हमारी, ये तीसरा फंदा, फिर तीसरी ये लूप, ये तीसरी लूप हो गई, ये चौथा फंदा और ये आखिरी लूप, फोर्थ लूप यहाँ पे हमने इस तरीके से डालनी है। अब देखिए यहाँ जाली देंगे, जाली के लिए धागा आगे कर देंगे और ये दो फंदे दो का एक इस तरीके से हम इसे कर देंगे। तो इस तरीके से ये आठ फंदे हमारे पूरे हो गए। फिर से इन दो फंदों को उतारेंगे इस तरीके से, वापस सिलाई पे लेंगे और फ्रंट इस साइड से दो का एक कर देंगे ऐसे। फिर से जाली देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ चार लूप देनी हमें इस तरीके से, पहली लूप एक फंदा सीधा, दूसरी लूप एक फंदा फिर से सीधा, फिर से लूप डालेंगे, तीसरी लूप फिर एक फंदा सीधा, फिर ये आखिरी की लूप यहाँ इस तरीके से देंगे हम ये वाली। अब यहाँ हम देखिए एक
दो, ये देखिए एक दो तीन चार। अब यहाँ हम देंगे जाली और इन दो फंदों को हम ये इस तरीके से दो का एक कर देंगे। ये लास्ट का फंदा स्टिच का इस तरीके से। अब देखिए सेवन्थ रो हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। 16 रो में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा डिज़ाइन। तो ये एट्थ रो है, देखिए क्या करना है इसमें। देखिए ये स्टिच का फंदा, ये दो का एक जो हमने फंदा किया था वो, और ये जाली का फंदा। ये तीन उल्टे उतारने के बाद देखिए ये एक लूप है, एक फंदा इसे बनाएंगे, फिर से एक लूप एक फंदा इसको ऐसे बनाएंगे, लूप फंदा दो का एक कर देंगे, इस लूप को और इस फंदे को इस तरीके से दो का एक कर देंगे। देखिए ये जाली का फंदा और ये जो हमने दो का एक किया था, तो इस तरीके से देखिए दो चार छः आठ, ये हमारा स्टिच का फंदा है। दो चार छः आठ, आठ फंदे हमारे इस तरीके से पूरे हो जाएंगे। फिर से देखिए ये हमने जो दो का एक किया था ये वो फंदा है, ये जाली का फंदा, ये एक लूप और एक फंदा इसको दो का एक करेंगे, एक लूप एक फंदा इसे दो का एक करेंगे, एक लूप एक फंदा इसे दो का एक करेंगे, एक लूप एक ये फंदा इसे दो का एक करेंगे। ये देखिए ये हमारी जाली है और ये हमने दो का एक किया था जो फंदा, ये फिर से ये जाली वाला फंदा। अब ये हमारा देखिए एक लूप है, ये फंदा इसको दो का एक करेंगे, ये लूप फंदा एक, ये लूप एक ये फंदा, लूप और ये फंदा। अब देखिए ये जाली आ गई हमारी, जाली वाला फंदा दो का एक किया था जो, और ये हमारा एस स्टिच का फंदा। तो ये आठ सिलाइयाँ जो हैं हमारी पूरी हो गई। तो देखिए आठ सिलाई में ये डिज़ाइन जो है हमारा इस तरीके से, यहाँ ये वाला डिज़ाइन जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर अब देखिए जहाँ पे हमें ये वाले जो दो फंदे दिख रहे हैं, यहाँ पर ये दो फंदे, ये दो फंदे पर हमारी ट्विस्टिंग होगी और यहाँ पर हमारी ट्विस्टिंग होगी। स्टार्टिंग में ही हमारे यहाँ ट्विस्टिंग होगी और एक ही एंड पे ट्विस्टिंग होगी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारी नौवीं सिलाई है। जिस फंदे को अभी तक हम एस स्टिच बना रहे थे, देखिए ये वाला जो फंदा है यहाँ हमें बैक साइड पे, स्टार्टिंग में हमने बैक साइड से ही ट्विस्ट किया था, तो यहाँ पर इस एस स्टिच पर और इस फंदे पर हमें इस तरीके से पहले इसे बनाएंगे पीछे वाले फंदे को, फिर इसे बनाएंगे एस स्टिच के फंदे को इस तरीके से। देखिए ये ट्विस्ट कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे यहाँ ट्विस्टिंग है, तो दो चार छः फंदे हमें सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। अब इस जगह पे हमें ट्विस्ट करना है, तो फिर से बैक ट्विस्टिंग करेंगे इसमें, पीछे वाले फंदे को पहले और आगे वाले फंदे को इस तरीके से। फिर से छः फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और ये हमारा छठा फंदा। इसके बाद इन दो फंदों पर हमें ट्विस्टिंग करनी है, तो इस तरीके से इसमें ट्विस्ट करेंगे बैक साइड से। फिर से छः फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। अब देखिए इस दो फंदों पे हमें ट्विस्टिंग किस तरीके से करनी है, पहले इस वाले फंदे को और फिर इस फंदे को बनाएंगे उल्टी सिलाई। फिर से ये हमारी नौवीं सिलाई थी उल्टी सिलाई, हम दसवीं उल्टी बना लेते हैं। ये देखिए दस सिलाइयाँ हमारी पूरी हो चुकी हैं। अभी हमें हमारा ट्विस्ट बनना शुरू हो गया, ये देखिए यहाँ यहाँ। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, एस स्टिच का फंदा जैसा अभी तक हम निकाल रहे थे अब हमें वैसे ही लेना है। अब देखिए ये फंदा और इस फंदे पर हमें ट्विस्ट करनी है, तो ये साइड ये ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे हमें ये पीछे साइड से आएगा ना, तो ये बैक साइड से ही इसमें ट्विस्ट करेंगे हम इस तरीके से। यहाँ पे हमने दो फंदों की ट्विस्टिंग इस तरीके से कर ली। अब चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। अब ये जो हमने यहाँ पर ट्विस्ट किया था ये वाले दो फंदे, अब इनसे आगे वाले पे ट्विस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम फ्रंट वाले फंदे को लेंगे, फ्रंट साइड से ट्विस्टिंग और ये बैक साइड वाली ट्विस्टिंग, ये देखिए इस तरीके से। फिर से चार फंदे सीधे, एक दो
तीन चार। अब यहाँ फिर से ट्विस्ट करेंगे, पहले फ्रंट साइड से दो का एक, दो ये वाले दो फंदों को, फिर बैक साइड से ट्विस्टिंग करेंगे इस तरीके से। फिर से चार फंदे हमारे सीधे, एक दो तीन और ये चार। अब देखिए यहाँ पर जो ट्विस्टिंग हमने यहाँ करी थी, हम इस तरफ को आ रहे हैं तो इसलिए बैक साइड की ट्विस्टिंग जो ये वाली साइड की है, यहाँ पे हम फ्रंट की ट्विस्टिंग करेंगे। देखिए किस तरीके से पहले इस वाले फंदे को बनाएंगे, फिर ये बैक साइड, ये पीछे वाला, ये बाद में बनाएंगे स्टिच का फंदा ऐसे ही। तो ये हमारी 11 रो कंप्लीट हो गई, मैं 12th बना लेती हूँ। 12 रो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 13 रो में क्या करना है अब हमें, ये फंदा हमारा जो था ये स्टिच का, एक फंदा सीधा, और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें ये जो फंदा हमें दिखाई दे रहा है, अब यही वाला फंदा यहाँ से इस पर ट्विस्ट करना है और इन दो फंदों को सीधा बनाना है। तो इन दो पे हमें ट्विस्टिंग करनी है, फिर से हम बैक साइड से इसमें ट्विस्ट करेंगे इन दो फंदों पे इस तरीके से। ये ट्विस्ट करने के बाद दो फंदे यहाँ सीधे, एक दो, ये दो हमने ये ट्विस्ट कर लिए। अब इस दो फंदों पे फ्रंट साइड से ट्विस्टिंग करनी है इस तरीके से। यहाँ से हम फ्रंट से इसमें ट्विस्ट करेंगे ये वाला फंदा, फिर इस फंदे को ट्विस्ट करा, उसके बाद बीच में ये हमारे दो फंदे सीधे। अब यहाँ हमें बैक साइड से ट्विस्टिंग करनी है, एक दो, फिर से यहाँ पे हमारे सेंटर में ये दो फंदे रह जाएंगे, दो सीधे। अब यहाँ पे दो फंदों की ट्विस्टिंग करेंगे इस तरीके से, ये फ्रंट से ट्विस्ट करेंगे इस तरफ को, फिर से दो फंदे सेंटर के सीधे। अब यहाँ हमें बैक साइड से ट्विस्टिंग करनी है इन दो फंदों पे। अब ये दो फंदे हमारे सीधे। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरफ को आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें फ्रंट से ट्विस्टिंग करनी है, तो ये फ्रंट साइड की ट्विस्टिंग इस तरीके से करेंगे, दो फंदे सीधे, एक और ये दो। इसके बाद ये हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई है, 14 रो में बना लेती हूँ। देखिए 14 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 15th रो में देखिए किस तरीके से करना है। देखिए एक ये स्टिच का फंदा है हमारा, उसके बाद ये एक फंदा और ये दो, दो फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए इसको और इसको हमने दो का एक करना है। तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ जाली देंगे और ये हमारा बैक साइड से ट्विस्ट कर रहे थे तो यहाँ हम दो का एक इस तरीके से करेंगे। अब इन दो फंदों पर हमें दो का एक करना है, तो देखिए किस तरीके से है, इसे हम इस तरीके से लेंगे, इसे उतारेंगे, इन्हें दोनों को सिलाई पर लेंगे वापस इस तरीके से, और ये फ्रंट साइड से दो का एक कर देंगे, फिर जाली देंगे, एक फंदा सीधा। अब ये देखिए ये जो हमें यहाँ लूप, ये होल दिखाई दे रहा है, इस पर हमें लूप बनानी है। पहली लूप एक फंदा सीधा, दूसरी लूप है ये हमारी, फिर से एक फंदा सीधा, तीसरी लूप फिर से एक फंदा सीधा, और ये लास्ट फोर्थ लूप। ये फोर्थ लूप बनाने के बाद ये देखिए इस तरीके से यहाँ देंगे अब हम जाली, और इन दो फंदों को हम इस तरीके से दो का एक कर देंगे। फिर से देखिए इन दो फंदों को हम इस तरीके से उतारेंगे, एक फंदा दूसरा फंदा, दोनों को वापस लाइन पे लेंगे और ऐसे करके हम दो का एक कर देंगे। ये दी जाली, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इसके बाद हम यहाँ देंगे लूप इस होल से। ये पहली लूप, एक फंदा सीधा, ये ऐसे एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, ये दूसरी लूप, फिर से एक फंदा सीधा, यहाँ पे सीधा बनाएंगे, फिर एक और लूप, ये हमारी थर्ड लूप है, फिर एक फंदा सीधा, और ये फोर्थ लूप। अब यहाँ पे हम देंगे जाली, इधर इस तरीके से जाली देंगे और इन दो फंदों को हम दो का एक कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा फ्रंट साइड से हम इसमें ट्विस्टिंग कर रहे थे, तो
तो यहाँ पे हम इस तरीके से इन दो फंदों को उतारेंगे, इस तरीके से वापस सिलाई कर लेंगे और दोनों को इस तरीके से घटा देंगे, दो का एक कर देंगे। फिर यहाँ देंगे जाली और ये एक, दो फंदे सीधे और ये एस स्टिच का फंदा। 16th रो जैसे अभी हम बना रहे थे, जो लूप वाला फंदा है वो फंदे के साथ उसको हम बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा ये एस स्टिच का है, ये बना लिया, एक फंदा उल्टा, ये जाली वाला फंदा, ये फंदा, एक ये फंदा और एक ये जाली वाला। अब देखिए ये एक हमारे यहाँ पे लूप है, एक फंदा है, ये बनाया, एक लूप एक फंदा इससे बनाया, एक लूप एक फंदा इससे बनाया, एक लूप एक फंदा इससे बनाया, ये जाली वाला फंदा, ये जो हमने दो का एक किया था वो, फिर से ये दो का एक किया, ये फंदा इससे बनाया उल्टा, इससे बनाया जाली वाला फंदा उल्टा। आप देखिए यहाँ पे ये लूप वाला फंदा, ये दो का एक किया इनको, इसे दो का एक किया और इसे दो का एक किया। ये जो हमने जाली बनाई थी ये वो वाला फंदा है, और जो हमने दो का एक किया था ये वो वाला फंदा है, उसको उल्टा बना रहे हैं। तो इस तरीके से 16th रो हमारी ये कंप्लीट हो गई और ये डिज़ाइन बनकर हमारा देखिए इस तरीके से तैयार हो गया है। आई होप सो कि आज का डिज़ाइन ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।